हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री विद आवर क्वेश्चन. सो दिस इज योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. इफ tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b इनटू tan ऑफ बीटा बाय 2, देन वी हैव टू शो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a cos बीटा प्लस b अपॉन a प्लस b cos बीटा. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो इसको. ठीक है, और मैं अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले हमारा सोचने का स्टार्ट ऑफ थिंकिंग क्या होगा, कैसे स्टार्ट करें. तो देखो, इधर हमें tan थीटा बाय 2 दिया है और हमें निकालना क्या है, cos थीटा. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ab एंड बीटा. तो मैंने बोला अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है जो tan थीटा बाय 2 को cos थीटा से रिलेट करता है. तो एक ही फॉर्मूला है, सोचो, अगर दिमाग में आया हो तो लिखो अभी पॉज करके. एक ही फॉर्मूला है जो tan थीटा बाय 2 को cos थीटा से रिलेट करता है. क्या था? tan स्क्वायर थीटा. क्या था हमारा, मतलब इसको हमने दो फॉर्म में लिखा था. एक तो हमने ऐसे लिखा था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. अब हाफ एंगल की बात कर रहे हैं तो मैं आधा आधा कर देता हूं एंगल. ठीक है, तो इधर से 2 गया, इधर से 2 गया. एक ये देखा था और एक cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो हाफ कर देता हूं तो ये 2 गया और बाय 2 बाय 2. ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे जो रिलेट करता है tan थीटा बाय 2 और cos थीटा को. तो अब डेफिनेटली कौन सा यूज करूं, मुझे cos थीटा निकालना है, दिया क्या है tan थीटा बाय 2, तो आई यूज दिस फॉर्मूला. दिस वन आई विल यूज cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. तो बस अब इधर से tan थीटा बाय 2 की वैल्यू इधर उठा के रख दो, सिंप्लीफाई करते जाओ अपने आप ऑटोमेटिकली. अगर सबको सही करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, अगेन अगर अभी भी अब समझ में आ गया हो तो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन. मैं अभी इसको कंप्लीट कर रहा हूं, तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं. ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मुझे यूज करना है ये वाला फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू दिस. तो लिखा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान से, a माइनस b अपॉन a प्लस b. अंडर रूट है तो स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट गया. इधर आ जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, अगेन इसका स्क्वायर. सो विच इज a माइनस b अपॉन a प्लस b इनटू tan स्क्वायर बीटा बाय 2. क्लियर है यहां तक? चलो अब क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया. अब tan बीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट किया और उसके बाद एलसीएम ले लिया, या फिर अभी एलसीएम ले लो, वन एंड द सेम थिंग. बट मैंने क्या किया, पहले मैं साइन tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं. तो देखो, चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं. ये हो गया 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2. क्लियर है यहां तक? अब एलसीएम ले लो. अब एलसीएम लेके चलो लिखते हैं इधर हम. तो एलएचएस तो हमारा cos थीटा है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय. अब देखो, जब एलसीएम लूंगा इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर के जो टर्म लिखा है a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, जब नीचे एलसीएम लूंगा तो उधर भी आएगा a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, तो वो तो कैंसिल कर रहा हूं मैं डायरेक्टली. अब मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, क्या आएगा इधर, a प्लस बी इंटू कॉस का स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2. क्लियर है यहां तक? अब a और b को अलग अलग कर लिया, ठीक है ना, a और b को अलग कर लिया. तो ऊपर a के साथ क्या आएगा, देखो ध्यान से, एक तो ये cos स्क्वायर बीटा बाय 2, तो ये लिख दिया cos स्क्वायर बीटा बाय 2. फिर a के साथ देखो माइनस a साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 है, तो a लिख लिया मैं, तो क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2. ये तो a का हो गया. अब b के साथ खेलते हैं, b में क्या आएगा, इधर b के साथ cos स्क्वायर बीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस, इधर से b के साथ क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, तो प्लस का साइन स्क्वायर बीटा बाय 2. अब नीचे आते हैं a के साथ, अब a के साथ इधर क्या है, एक तो cos स्क्वायर बीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर बीटा बाय 2. फिर इधर a के साथ sin स्क्वायर बीटा बाय 2, तो प्लस sin का स्क्वायर
बीटा बाय टू, फिर प्लस बी के साथ देखने क्या आता है, इधर से कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू, तो कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस का बी के साथ साइन स्क्वायर बीटा बाय टू, तो साइन स्क्वायर बीटा बाय टू, क्लियर है यहां तक? अब चमक जाना चाहिए, अब एक ही लाइन का है, अब चमक जाना चाहिए कि वही आने वाला है। देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला आ गया हमारा, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, ये मैं रब कर दिया लेकिन तुम लोग कॉपी कर लेना पॉज करके, ठीक है ना, रिमाइंड करके। कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू, कॉस थीटा क्या हो गया, ए टाइम्स कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला पहला पढ़ा था हमने, कॉस तो थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा प्लस बी, फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर बीटा बाय टू प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय टू वन अपॉन ए अगेन वन प्लस बी और अगेन दैट विल बी सेम थिंग दैट इज कॉस थीटा, तो यही तो हमारा है, ए कॉस थीटा की जगह सॉरी बीटा है, ठीक है, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, क्लियर है, हेंस प्रूव, तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले यूज हो गए, एक तो ये और अभी हमने लास्टली कौन सा यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, वो फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 4x प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस की पावर 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, वी हैव टू प्रूव इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले तो क्या करो तुम, एक काम करो, पहले खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है ना, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, तो देखो क्या किया इसमें, देखो अंडर रूट टाइप की चीज है तो ज्यादातर चांसेस क्या है, हमारी थिंकिंग क्या होगी, कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादातर चांसेस क्या होंगे, ये अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा, तो अब किसका आ रहा होगा, तो देखो इधर तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा है, अब इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ, पहले एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, साइन की पावर 4x प्लस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखना अभी अपने आप चमक जाएगा, फिर मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दिस साइन की पावर 4 प्लस 4 आया उसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, उसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अब चमक गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab व्हिच इज नथिंग बट ए माइनस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर क्या बना हमारा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस उसका स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। अब ये मेरा बेसिकली क्या आएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर क्वांटिटी लिखा है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताया था, मॉड एक्स, तो वही चीज लिखी है। अब देखो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 माइनस समथिंग लाइन बिटवीन 0 टू 1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ मॉड, सो आई विल रिमूव द मॉड, सिंपली आई कैन से दिस इज 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, माइनस अंडर रूट ऑफ जो इधर किया वही अब इधर कॉस में करते हैं, तो अगेन इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब अगले स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए, माइनस तो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ, अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यू कैन सिंप्लीफाई इट, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर या फिर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, फिर माइनस, अब तुम इसको मॉड के अंदर लिखो तो क्या लिखोगे मॉड के अंदर, या तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 या फिर 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बट मॉड हटाते वक्त हमें देखना पड़ेगा कि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेटर है मैंने ऐसे लिख लिया 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है यहां तक, फिर अगेन मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है सो आई विल डायरेक्टली रिमूव इट 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया कॉस 2x, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस, चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है,
अपन ने फाउंडेशन में भी देखा वैसे 9th 10th क्लास में, ठीक है, कुछ बच्चों को आता भी है ये ऑलरेडी और कुछ के लिए एकदम नया होगा, बट है बहुत मस्त टॉपिक, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहना। चलो तो पहले टॉपिक लिख लो, sum of sines or cosines of angles in AP। पूरा लिख लो, लिखना है तो AP मतलब arithmetic progression। क्या होगा, एक सीरीज दी होगी साइन की या कोसाइन की किसी एक के, और उसमें जो एंगल्स होंगे ना वो एपी में होंगे। तो पहले मैं साइन सीरीज का डिस्कशन करता हूं, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं दोनों के, ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो पहले फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ये हमारी सीरीज है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है अल्टीमेटली, मतलब फॉर्मूला हम तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे पर। तो कहने का मतलब, पहले मैंने तुमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वीडियो पॉज करके सोचो, मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखो कैसे देखेंगे हम, इधर जीरो बीटा लिखा है, इधर वन बीटा, इधर टू बीटा, अप टू एन माइनस वन तक जा रहा है। तो मैंने बोला जीरो से जीरो वन टू अप टू एन माइनस वन तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, एन। वन से स्टार्ट होता n माइनस वन तक जाता तो हम बोलते हैं n माइनस वन टर्म्स है, बट इधर जीरो बीटा भी लिखा है ना, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन, दिस इज nth टर्म। तो पहली बात तो आया कि इस सीरीज में n टर्म्स है, ठीक है, लिख लो इधर, दीज आर n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक है। अब फॉर्मूला देखना मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ n बीटा बाय टू अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू। अब दूसरा पार्ट इसका, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने इधर एपी क्यों लिखा है, इधर एपी क्यों लिखा है, यू कैन सी द एंगल्स ना, ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या है, साइन का नहीं बोल रहा मैं, एंगल्स का बोल रहा हूं, बीटा, इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस क्या है, बीटा। तो दिस ये अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, ये क्या बेसिकली एपी है ना विद अ कॉमन डिफरेंस बीटा, हल्का फुल्का आइडिया होगा तुम लोगों को एपी का, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर एंगल से एपी लिखा है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान होगा याद करना। कैसे, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, साइन ऑफ एन मतलब क्या है हमारा, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स इन टू बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जो एंगल्स है ना उनका कॉमन डिफरेंस है। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं, सीडी कॉमन डिफरेंस, चलो पूरा लिख लो नहीं तो तुम लोग ऐसे करो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बाय टू, तो इसको ऐसे लिख लिया, कॉमन डिफरेंस बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू, तो साइन ऑफ अगेन बीटा बाय टू मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बाय टू, ठीक है। तो हो गया साइन एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू। अब इसको लिख लेते हैं, तो साइन ऑफ, अब देखना ध्यान से अगेन, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू को ध्यान से देखोगे तो जो पहला एंगल है ना और आखिरी एंगल को ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो, यही चीज आएगी। देखो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, उसको मैं बोल रहा हूं टोटल को टू से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूं बहुत शॉर्ट तरीके में, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय टू। तो ऐसे रखोगे याद तो तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जनरली ये चीज याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन से, साइन के अंदर क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। देख लो अल्फा प्लस अल्फा बाय टू करूंगा तो अल्फा आएगा, फिर एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, तो आ गया अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, ठीक है। तो इस फॉर्म में तुम लोगों को याद रखना है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो, जैसी साइन सीरीज है वैसी कोसाइन सीरीज है, और फॉर्मूले में भी थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, तो मैं इधर ही चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। सेपरेट लिखने से पहले तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसको कॉपी करो, एंड डोंट वरी हम इसके ऊपर इसका डेरिवेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, बट उससे पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं, मैं बस जहां जहां साइन है वहां कॉस चेंज करने वाला हूं इस सीरीज में, और फिर आंसर में मैं बताऊंगा कहां चेंज होगा, एक थोड़ा सा चेंज होगा इसी वाले फॉर्मूले में, इसलिए तो नया फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है, इसी से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो देखो
मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, साइन जो साइन है उसको मैं बस कोसाइन कर रहा हूं सभी जगह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस कॉस कॉस, दिस इज माय कॉस, दिस इज माय कॉस, दिस इज माय कॉस एंड दिस इज माय कॉस। तो ये कोसाइन सीरीज हो गई जिसके एंगल्स जो है वो एपी में। तो देखो फॉर्मूले में क्या आएगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये साइन साइन ही रहेगा, ओनली चेंज विल अकर हेयर। तो इसके बदौलत इधर चेंज आ गया और कुछ भी चेंज नहीं है। साइन सीरीज में इधर साइन था, कोसाइन सीरीज में इधर कोसाइन है बस। बाकी ये पहला वाला जो टर्म है ना, ये वाला वो अभी भी साइन वाला ही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक बार और, मैंने बोला कि साइन वाले में क्या किया था हमने, इधर साइन लिखा था और कोसाइन वाले में इधर कॉस लिख दिया, बस इतना सा ही फॉर्मूले में चेंज है। याद कैसे रखोगे? साइन ऑफ, वैसे ये वाला टर्म तो याद रहता है जनरली, एन बीटा बाय टू डिवाइड बाई बीटा साइन बीटा बाय टू। यार बीटा याद रखना, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद कर लिया फिर भूल गए बीटा क्या था। बीटा को इधर लिख लो, बीटा इज बेसिकली कॉमन, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, जो एंगल्स दिए एपी में दिए ना उनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब कोई भी दो को डिफरेंस करो तो सेम ही आएगा ना बीटा, तो बीटा इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो अगेन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। और अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो लेट्स से साइन सीरीज का देख लेते हैं, जैसा साइन का वैसे कोसाइन का होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक का देख लेते हैं किसी एक का, और एक का तुम एज ए प्रैक्टिस घर पे कर लेना, मतलब अभी कर लेना, तो पॉज करके या पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद देख कर लेना एक बार, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस के लिए। चलो अब मैंने बोला अब हम इसके डेरिवेशन पे आ रहे हैं। तो देखो पहले मैंने एक बार सीरीज लिख ली दोबारा, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन प्लस प्लस प्लस, आखिरी के दो टर्म्स लिख रहा हूं। चलो मैं साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस टू इंटू बीटा, ये सेकेंड लास्ट टर्म होगा क्योंकि एन माइनस वन तक जा रहा है, तो प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, दिस इज द लास्ट टर्म, एन एथ टर्म ऑफ द सीरीज। अब क्या किया देखो फॉर्मूले में ध्यान से देखो, नीचे साइन बीटा बाई टू था, जैसे मैंने क्या लिखा था साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू, तो इसका मतलब नीचे साइन बीटा बाई टू आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया साइन बीटा बाई टू से, तो आई सिंपली मल्टीप्लाइड इट विद पूरे को साइन बीटा बाई टू से डिवाइड कर दिया साइन बीटा बाई टू, जब ऊपर किया तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अब क्या करूंगा मैं इस टर्म को अंदर लेके, ये वाला टर्म हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो वाला फॉर्मूला बनेगा साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, बट उसमें टू की जरूरत होती है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, टू साइन ए साइन बी है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, टू साइन ए साइन बी, दिस इज व्हाट, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं अभी, ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो उसके लिए टू की जरूरत होती है ना, तो एक काम किया जब साइन बीटा बाई टू से किया तो टू भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद टू ऑल्सो, सो दैट अब मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको रब कर रहा हूं इधर। चलो अब लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक काम करते पहले चलो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा टर्म लिखने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो टू साइन ए साइन बी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस ऑफ, अब कॉस के अंदर ए माइनस बी लिखो चाहे बी माइनस ए लिखो, बन इन द सेम थिंग, ठीक है। तो मैं अल्फा आगे वाले एंगल से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू। क्लियर है? ये एक टर्म आई हमारी, दिस करस्पॉन्ड्स टू कौन सा, टू साइन बीटा बाय टू साइन अल्फा, इसके करस्पॉन्डिंग ये टर्म है। अब दूसरा टर्म जब ये साइन बीटा बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं दोबारा लिख रहा हूं दूसरा टर्म प्लस, ध्यान से देखना बने रहना हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, टू साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अगेन कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये तो हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, अब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, देखते रहना समझते रहना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंड टर्म विच करस्पॉन्ड्स टू टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? चलो एक आठ टर्म और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम
आखिरी के दो टर्म ले, आखिरी के टर्म्स और लिखेंगे। अभी मैं आगे की टर्म्स लिख रहा हूं। थर्ड, जब ये साइन बीटा बाय टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस टू बीटा माइनस बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस टू बीटा प्लस बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस फाइव बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस फाइव बीटा बाय टू। क्लियर है यहां तक? ये सीरीज चलती जा रही है, चलती है, डेड डैश लगा दिया, ठीक है ना, ये हटा दे रहा हूं मैं, डेड डैश लगा दिया इधर, थोड़ा इधर लग रहा है, ठीक है। अब आखिरी के टर्म्स पे आते हैं थोड़े, ठीक है। तो देखो ये टू साइन बीटा अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, तो देखो ये वाला एंगल इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखो अल्फा प्लस एन माइनस टू इंटू बीटा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ इन दोनों का एडिशन, तो अगेन अल्फा प्लस एन माइनस टू इंटू बीटा प्लस बीटा बाय टू, बने रहना, मैंने बोला, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मेन अब स्टेप आने वाला है इसके बाद, अगेन अब लास्ट स्टेप और कर लेते पहले, तो टू साइन बीटा अगेन वही वाला फॉर्मूला, तो कॉस ऑफ दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या आएगा, देखो अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, एन माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा बाय टू, और लास्ट में एडिशन आएगा इसका, माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस बीटा, एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाय टू। ये हो गई पूरी सीरीज अभी तक, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, अब नाउ मेन ऑब्जर्वेशन, अब है नाउ दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस प्रूफ, ऑब्जर्व केयरफुली। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों सेम है, तो ये वाला एंगल इससे कैंसिल, ये चीज इसके बराबर है, नेगेटिव है, ये कैंसिल, तो यू कैन सी कि अब क्या हो रहा होगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा होगा, और ये दोनों टर्म देख लो, ये दोनों भी कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, बिल्कुल कर रही है। ध्यान से देखो, अल्फा लिखा है इधर, लिखा है एन माइनस टू बीटा प्लस बीटा बाय टू, एन माइनस थ्री बाय, ये कितना लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ये लिखा है एन माइनस थ्री बीटा बाय टू, और ये भी ध्यान से देख लो क्या लिखा है, एन माइनस थ्री बीटा बाय टू, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस एन माइनस थ्री बीटा बाय टू, तो ये वाला टर्म भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली इस पूरी सीरीज का क्या क्या टर्म बचा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और डिनोमिनेटर मेरा है ही, क्या बोलते हैं, टू साइन बीटा बाय टू, एज्यूमिंग कि वो डिनोमिनेटर में लिखा है, अभी बनाया नहीं मैंने, ठीक है। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद, देखो मैं क्या हम बचा हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाय टू, वी आर लेफ्ट आउट विथ ओनली दिस मच पार्ट इन द न्यूमरेटर, जो मैंने अभी ये दो टर्म लिखे, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, ये टू साइन बीटा बाय टू, टू साइन बीटा बाय। क्लियर हुआ यहां तक? वीडियो पॉज करके एक बार और रिमाइंड करके देखो, अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट आता है, बट ये सब प्रूफ के लिए तो मैं वो फॉर्म ले जाऊं, टेस्ट होना चाहिए वो टू साइन ए साइन बी वगैरह वो सारे, ठीक है ना, इवन कॉस वाले वो सम वाले भी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है ना, वो सब फॉर्मूले। क्लियर हुआ? तो अभी तो मेरा नहीं आया, अभी मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेटली अब क्लिक कर गया होगा, अब हम ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाते से ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करो तुम लोग, पहले पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, और मैंने इतने टर्म्स लिखे, तुम लोगों को भी नोट्स में इतने ही टर्म्स लिखना है, ये नहीं कि सर आओ कैंसिल हो रहा है आगे की लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है, ठीक है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो पता भी चलेगा तुम मिस्टेक तो नहीं कर रहे, सिली मिस्टेक, क्योंकि बहुत बहुत बच्चे लोग ऐसे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं फाइनली, चलो ऊपर वाले को रब कर लें, ठीक है ना, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा नीचे वाला स्टेप से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने नीचे उसको रब किया, अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो पहले अलग से फॉर्मूला लिख लिया इधर, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें क्या होता है हमारा, या तो माइनस माइनस करके लिखो या फिर उधर सी डी माइनस सी लिखते हैं, तो क्या होता है टू साइन, एक तो क्या सम बाय टू, तो सी प्लस डी बाय टू, और दूसरा साइन ऑफ, अब उल्टा आ जाता है इधर, या तो माइनस करके सी माइनस डी लिख लो या फिर माइनस कोस के साथ एडजस्ट करके डी माइनस सी लिख लो, तो इधर आ जाता है डी माइनस सी बाय टू, ये होता है। तो वो फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो देखो न्यूमरेटर टू साइन सम ऑफ दीज एंगल बाय टू, तो पहले सम निकालते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बाय टू प्लस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा
प्लस बीटा बाय टू, ये तो हो गया सी प्लस डी होल डिवाइडेड बाय टू, साइन सी प्लस डी बाय टू है, फिर साइन ऑफ डी माइनस सी, तो डी ये है मेरा, तो दिस माइनस दिस करूंगा, तो देखो लिख लेते हैं अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाय टू माइनस, ये करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, देखो ध्यान से, और इसका भी डिवाइड बाय टू, क्लियर है, एक बार देख लेते हैं ठीक है, और मेरा नीचे क्या था टू साइन बीटा बाय टू, देख लो एक बार, क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है। चलो अब देखो पहले मैं इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सिंपल ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस, तो देखो ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, ये क्या लिखा है एन बीटा माइनस बीटा फिर प्लस बीटा लिखा है, तो वो बेसिकली एन बीटा लिखा है, तो फाइनली ये वाला जो टर्म है मेरा वो क्या लिखा है साइन ऑफ एन बीटा बाय टू, साइन एन बीटा बाय टू डिवाइड बाय साइन बीटा बाय टू, तो आ गया हमारा एक टर्म, और ये टू से ये टू कैंसिल, इसका मतलब ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल आना चाहिए, वो है ही फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, कैसे ये कैंसिल कर दो, देखो क्या आ गया अल्फा अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बाय टू मतलब अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, हैंस प्रूफ, क्लियर हुआ, बहुत ही मजेदार चीज है ये ठीक है ना। तो जैसे मैंने किया वैसे सेम मैनर में तुम्हारा टास्क है कोसाइन वाले को प्रूव करना ठीक है ना, कोसाइन वाले को ठीक है, और कीपिंग दैट इन माइंड कि दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में 2 साइन बीटा बाय 2 था, तो स्टार्टिंग स्टेप में हिंट दे देता हूं अगेन मल्टीप्लाई विद 2 साइन बीटा बाय 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कोसाइन के लिए भी उधर फिर क्या लगेगा 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, इधर तो क्या लगा था 2 साइन ए साइन बी लगा था ना, न्यूमरेटर में हमारे साइन साइन थे, उधर क्या होगा जब हम ऊपर नीचे साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, इतना सा अंतर है, अगर उसमें पहला टर्म आखिरी टर्म बचेगा बीच के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर अगेन दोबारा वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लियर हो गया ठीक है। तो चलो फॉर अब क्या करो पॉज करो और इसको अच्छे से कॉपी करो स्लोली स्लोली आराम से, और जल्दी जल्दी में नहीं करना है, और कोशिश करो कि अपने से करो ठीक है ना, अगर कोई स्टेप भटकते हो तो फिर वीडियो को देखो तो ज्यादा सीखने मिलेगा ठीक है। चलो तो अब मैं फॉर्मली इसके क्वेश्चंस ले लेता हूं बेस्ड ऑन दिस सीरीज ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एडवांस वगैरह में इसके क्वेश्चंस आते हैं ठीक है। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं और हैबिट डालेंगे अभी हम, जैसे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा तो आई विल कीप ऑन राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन के लिए ठीक है ना, सो दैट हमारा याद हो जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन है हमारा देखो, चलो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा प्लस डेट डेट डैश साइन ऑफ 2n minus 1 into theta. We have to prove this is sine square n theta divided by sine theta. ये हमारे प्रूफ करना है ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, तुम लोग पहले पॉज करके एक बार खुद से कर सकते हो ठीक है ना, as usual मैं बोलू नहीं तो भी इसका मतलब यही होना चाहिए कि अब तुम्हें ट्राई करना है वीडियो पॉज करके कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है ना। चलो इवन प्रूफ वगैरह भी अगर मैं प्रूफ कराता भी हूं ना, तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें हम ट्राई करना है कुछ से एक बार, तो डेफिनेटली यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलो तो मैंने बोला क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, पहले तो ये देख लेना, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि साइन सीरीज होना चाहिए या कोसाइन, तो ठीक है साइन है बहुत अच्छी बात है। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, जो एंगल्स है वो एपी में होना चाहिए, तो एंगल्स एपी में दिख रहे हैं क्या, हाँ 1 थीटा 3 थीटा 5 थीटा दीज आर इन एपी। अच्छा अब मैंने बोला एपी तो है, चलो ठीक है ये जो मेरे एंगल्स हैं थीटा 3 थीटा 5 थीटा दीज आर इन एपी, फिर मैंने बोला इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस ना, कोई टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस, आगे वाली माइनस पीछे वाली टर्म वो सब हम एपी में देखने वाले हैं, तो दिस इज 3 थीटा माइनस थीटा मतलब 2 थीटा, तो कॉमन डिफरेंस इधर 2 थीटा है। तो देखो मुझे फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ती है बीटा, दिस इज बेसिकली बीटा, दूसरी क्या जरूरत पड़ती है एन की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्जर्व करो सोचो पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जस्ट लुक एट इट हियर एंड सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बस एक बार एन आ गया नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो खेल खत्म, फिर तो हमें बस वैल्यूज उस फॉर्मूले में प्लग करनी है, उसके बाद तो फ्लेवर वाला काम है, मेन दिमाग अब इधर ही लगेगा थोड़ा सा। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं बता रहा हूं ठीक है, आई होप तुमने सोच लिया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स आर एन,
नंबर ऑफ टर्म्स। देखो हर बार ऐसे नहीं अज्यूम करना नंबर ऑफ टर्म्स एन, वो तो सीरीज देख के पता चलेगा। अब कैसे पता चला, तो देखो इस वाले फॉर्मूले में जैसे इसने क्या लिखा, ये जनरल टर्म हो गया बेसिकली सीरीज का, ठीक है ना, एन की जगह वन रखोगे तो मैंने लिखा ऐसे लिखा, चलो मैंने लिखा इस सीरीज का जनरल टर्म इज साइन ऑफ टू आर माइनस वन, ठीक है, आर की जगह वन रखो तो ये आएगा, टू रखो तो ये आएगा, थ्री रखो तो फोर आएगा। तो मैं क्या क्या रख रहा हूं, आर की जगह वन रख रहा हूं, फिर टू रख रहा हूं, फिर थ्री रख रहा हूं, फिर आखिरी में क्या नंबर रखू मैं आर की जगह, सो दैट ये वाला टर्म आ जाए एन। तो इसका मतलब आर गोज फ्रॉम वन टू एन, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे एन आ गए। अब चलो वैल्यू प्लग करते हैं, तो कैसे बताया था, पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, साइन एन बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय टू। अगेन अगेन मैं लिख रहा हूं बिकॉज याद करवाना है, मेरा टास्क है तुम्हें आज की क्लास में याद हो जाना चाहिए। फिर साइन सीरीज है तो ये टर्म तो साइन की हो चाहे कोसाइन की हो, ये वाला टर्म तो सेम रहता था, अब साइन किया तो इधर साइन आता था, तो दिस इज साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, चलो ऐसे लिख लेते फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू, इंस्टेड ऑफ दैट अल्फा प्लस एन एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, ये याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो साइन ऑफ एन, एन मतलब एन ही नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा बीटा हियर इज टू थीटा, तो टू थीटा बाय टू क्या बनेगा, थीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय टू, बीटा इज टू थीटा तो टू थीटा बाय टू इज अगेन थीटा, इंटू साइन ऑफ क्या लिखा फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल इधर से देख लो डायरेक्टली थीटा थीटा, प्लस लास्ट एंगल 2n माइनस 1 इंटू थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, तो देखो थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, इधर क्या बना 2n बाय 2 विच इज n और थीटा, तो फाइनली ये आ गया हमारा, ये एक तो साइन n थीटा, ये साइन थीटा है और एक ये साइन n थीटा है, तो साइन n थीटा इंटू साइन n थीटा साइन स्क्वायर n थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा लिखा ही है। क्लियर हुआ बच्चों, फील आ गई होगी तुम्हें अभी तक, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद, तो अगेन पॉज द वीडियो है, कॉपी द सॉल्यूशन, कल के डाउट सेशन में बहुत कम लोग थे, ठीक है, मतलब कंपेयर टू लास्ट टू टाइम्स आई एम ऑब्जर्विंग 25-20 ऐसे स्टूडेंट आते थे, कल आई थिंक 15 कुछ थे, सो पता नहीं क्या रीजन है, यू शुड मैसेज मी आई विल आस्क फॉर द रीजन, ठीक है ना, कल मुझे मतलब आज के आज मुझे बताना कि व्हाई यू आर नॉट अटेंडेड द सेशन, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स कह रहा हूँ जो रेगुलर कल ही करते थे उन्होंने नहीं किया है सेशन, तुम्हारा लॉस है मेरा नहीं। फर्स्ट एग्जाम, एक और एग्जाम्पल, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 6 पाई बाय 7, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले से करना है हमें, ठीक है ना, कीपिंग दैट इन माइंड। तो क्या है, पहला तो मेरा ये कोसाइन सीरीज है, बिल्कुल कोसाइन सीरीज है, तो कोसाइन में क्या होता था, हमारा पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला टर्म तो सेम रहता था, साइन एन बीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय टू, इधर कोस आ जाता था, बस कोस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला एन कितना है इधर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अच्छा उससे पहले क्या ये हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, जो हमारा फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट था, बिल्कुल कर रहा है, एक तो साइन और कोसाइन में से कोई एक होना चाहिए तो कोसाइन है, दूसरा एंगल्स जो है वो एपी में होना चाहिए तो एपी में है, टू इन दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय 7, इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है 2 पाई बाय 7, तो इसका मतलब एंगल्स आर इन एपी, तो मैं इसका मतलब बीटा क्या हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाय 7, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू 3, बस ये दो वैल्यूज इसमें प्लग कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो साइन एन बीटा बाय 2 तो 3 बीटा बाय 2 करोगे तो क्या आएगा बीटा इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 करोगे तो पाई बाय 7, एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड साइन बीटा बाय 2 इज अगेन पाई बाय 7 इनटू कोसाइन ऑफ, अब मैं क्या लिखूं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो 2 पाई प्लस 6 पाई 8 पाई बाय 7 उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 4 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है, कैसे करें, अब अगेन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज होगा, तो देखो ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे, सुनो इस साइन को या फिर इस कॉस को किसी एक को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा यूज करके, ठीक है, कैसे किया एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है चलेगा, तो मैंने बोला ये जो फॉर्म इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इस वाले कोसाइन को कॉस ऑफ
पाई बाय टू, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, मेरा हो गया पाई बाय टू माइनस का 3 पाई बाय 7 अगर लिखा है मैंने, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 6, नहीं 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 ये तो गलत, एक सेकेंड, कॉस ऑफ जस्ट अ सेकेंड, पाई माइनस करके करो, पाई माइनस, देखो इधर अब आ जाएगा, देखो अब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो पहले तो मैंने 4 पाई बाय 7 को पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिख लिया, तो क्या आ गया 4 पाई बाय 7 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब मुझे इधर माइनस वाला लगाना पड़ेगा, अब एडजस्ट हो गया, अब देखो क्या हो रहा है मेरा, देखना ध्यान से, अब एक तो ये माइनस लिखा हुआ है माइनस का, अच्छा नहीं सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ये अभी सही है, मतलब अभी एट प्रेजेंट ये इसके बराबर है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो क्या होगा, ये तो मैंने लिखा, छोड़ दोबारा देखो, मैंने बोला दिस इज साइन ऑफ 3 पाई बाय 7, ठीक है, इस 4 पाई बाय 7 को मैंने पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिख लिया, ठीक है ना, मतलब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सिंपल सॉरी हाँ सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना सप्लीमेंट्री, तो ये मेरा कितना आ गया कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस 3 पाई बाय 7 अब बन गया हमारा, ठीक है, और नीचे लिखा है साइन पाई बाय 7, बट अभी भी थोड़ी कहानी बाकी है, अभी भी थोड़ी कहानी बाकी है, कैसी कहानी, अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस है याद है, साइन 2a का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, वो लगा देते हैं हम, तो इधर से ऊपर 2 की जरूरत है मुझे, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया 2 नीचे डिवाइड किया, तो फाइनली ऊपर क्या बना माइनस का 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो साइन ऑफ 2a और 2a कितना हो जाएगा 6 पाई बाय 7 अपॉन साइन ऑफ, अब क्लिक कर जाना चाहिए अगेन, ऊपर और नीचे वाला एंगल क्या है सप्लीमेंट्री, तो मैं इस 6 पाई बाय 7 को क्या लिखूंगा पाई माइनस पाई बाय 7 और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सो दिस इज नथिंग बट माइनस, अच्छा ये 2 गायब हो गया हमारा, ये 2 इधर था, तो माइनस 1 बाय 2 और ऊपर क्या बना साइन पाई बाय 7 और नीचे क्या बना साइन पाई बाय 7, तो फाइनली ये कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट आउट विथ माइनस हाफ, तो आंसर फॉर दिस इज माइनस हाफ, एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब केवल फॉर्मूला इतना पार्ट से काम नहीं चला, इसके बाद यहां भी हमें थोड़ा दिमाग खर्च हुआ हमारा, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, ठीक है ना, केवल इतना करने पे हमारा आंसर नहीं आता, तो हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ी इसमें, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला भी यूज हो गया अपने आप में, ये फॉर्मूला बल्कि माना जाता है, तो ये भी कंसेप्ट यूज हो गया, फिर आगे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी, साइन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वगैरह, ठीक है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, और पेपर के लिए क्वाड्रेटिक भी थोड़ा रिवाइज करके जाना, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, मैंने पहले भी बोला है कि दोनों का मतलब मेरे हिसाब से दोनों का वेटेज बराबर रहेगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे ज्यादा उससे ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेटेस्ट टॉपिक है तो पूरा इससे आएगा, ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर पहले भी बता दिया तुम लोगों को कि क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगो दोनों का मतलब दोनों आएंगे, अब वेटेज किसका क्या रेशो होगा ये सब कमेंट नहीं कर सकता मैं, बट दोनों के क्वेश्चंस तुम लोगों को पेपर में मिलेंगे, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला नेक्स्ट इज साइन ऑफ पाई बाय एन प्लस साइन ऑफ 3 पाई बाय एन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबका बनना चाहिए, अब वीडियो पॉज करके एन प्लस उसने लिखा है अप टू एन टर्म्स, दिस इज योर शीट क्वेश्चन, ठीक है ना, वैसे भी हम बाद में करते ही डिस्कस तो अभी डिस्कस हो जाएगा, दिस इज अ शीट क्वेश्चन, तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, क्या लिखा है साइन पाई बाय एन साइन 3 पाई बाय एन साइन 5 पाई बाय एन अप टू एन टर्म्स, उसने खुद ही बोल दिया दे आर एन टर्म्स, बाकी अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो nth टर्म, चलो एक छोटा सा टास्क देता हूं तुमको, मैंने बोला कि इसका nth टर्म लिखो इस सीरीज का nth टर्म, कीपिंग दैट इन माइंड, इधर 1 लिखा है इधर 3 लिखा है इधर 5 लिखा है, यू हैव टू राइट द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या सीरीज की, हाँ हो रही है, क्योंकि इधर क्या है एक तो साइन है सारे टर्म्स, ठीक है साइन है हमारी साइन सीरीज का,
प्लस जो एंगल्स का कॉमन डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है, एंगल्स मतलब एपी में बेसिकली, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 पाई बाय एन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है अगेन 2 पाई बाय एन, तो एंगल्स आर इन एपी और साइन है, तो मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए। और ये कॉमन ये डिफरेंस क्या होता है हमारा, एंगल्स का डिफरेंस इज नथिंग बट बीटा, जिसको हम फॉर्मूले में बीटा बोलते हैं। चलो अब रखते हैं फॉर्मूला, तो साइन ऑफ, चलो पहले तो मैंने लगा दिया डायरेक्टली साइन एन बीटा बाय टू, जिससे याद हो जाए साइन बीटा बाय टू इंटू साइन सीरीज है तो इधर भी साइन आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, ऐसे लिख लो। अब साइन एन बीटा बाय टू, तो देखो अब इसी स्टेप में आंसर आ जाएगा, इसी स्टेप में, ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, देखो ध्यान से, एन बीटा बाय टू करो तो बीटा बाय टू क्या होगा पाई बाय एन, पाई बाय एन। अब देखो भले इधर कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो, ये टर्म जो है ना साइन एन पाई बाय एन, एन से एन कैंसिल, साइन पाई क्या होता है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग क्या होगा जीरो ही होगा, तो आंसर क्या होगा हमें जीरो, तो हमें ये लिखना की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग समथिंग हियर कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल करो, फिर उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला टर्म लिखते से ही सिंपल जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, क्लियर है बच्चों। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ऑफ पाई बाय 11 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 11 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 11 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाय 11 प्लस कॉस ऑफ 9 पाई बाय 11, इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है, बस चेक कर ले तो पाई बाय 11, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, बिल्कुल ये सीरीज का तुम्हें सब निकालना है। अब सबको आना चाहिए, अब सबका आंसर आना चाहिए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस हो गया हमारा इस फॉर्मूले पे, ठीक है, और मैं इसका अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, तो अगेन रिक्वायरमेंट फुलफिल है क्या, तो आंसर मिलेगा यस, सारे टर्म कॉस के हैं तो बढ़िया है, और जो एंगल्स हैं वो एपी में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है इन दोनों का, एंगल का डिफरेंस 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 11, दिस इज माय बीटा, ठीक है। तो बस सिंपली हमें पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू, इधर आता है कोस, कोसाइन सीरीज है तो इधर कॉस आएगा, इतना सा चेंज होगा, क्या आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट होल डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइड बाय 2। चलो अब करते हैं इसको, तो मैंने देखा साइन ऑफ एन, एन क्या है हमारा, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया 5, बीटा बीटा कितना हो जाएगा, सॉरी बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 11, तो पाई बाय 11 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2, तो साइन ऑफ पाई बाय 11। ये काफी कुछ इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, इसके जस्ट पहले के पहले ही वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ये हो जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो पाई, एक मिनट, हाँ पाई प्लस 9 पाई, 10 पाई बाय 11 और डिवाइडेड बाय 2 है तो 5 पाई बाय 11, देख लो एक बार बिल्कुल। अब इसमें तो क्या, उसमें तो एक टास्क ज्यादा था, बल्कि इसमें तो ऑलरेडी हमारा साइन साइन थीटा कॉस थीटा टर्म जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब क्या करें, क्लब करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 10 पाई बाय 11 और नीचे क्या बना 2 साइन पाई बाय 11, अगेन ऊपर और नीचे दिख रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ऊपर इस 10 पाई बाय 11 को क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस पाई बाय 11 और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो ये भी साइन पाई बाय 11 लिखा है, ये साइन पाई बाय 11 कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विद 1 बाय 2, क्लियर है, प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। तो अब मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, फिर उसके बाद अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, और बाकी शीट करेंगे हम डिस्कस वगैरह। चलो तो एक क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, सब लोग करना, ठीक है। और एक चीज और, क्या बोलते हैं, तुम लोग का टास्क है ट्रिग्नोमेट्री का, चलो एक काम, अभी तक जो भी फॉर्मूले बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वो जो भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, बस अभी एक दो क्लास और रह गया हमारा, दो एक क्लास,
और रह गया कंडीशनल आइडेंटिटीज है कुछ, वो रह गया है और कुछ स्पेशल केसेस हैं थोड़े बहुत। तो आज मतलब जैसे अभी मतलब एग्जाम के पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी एक दो दिन के अंदर अंदर तुम लोगों का टास्क क्या है, तुम सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के है ना सारे ए टू जेड जो मैंने बॉक्स बताया कि ये याद रखना है, एंगल्स की वैल्यूज वगैरह जो भी ट्रिग्नोमेट्री में लगता है उसका तुम शॉर्ट नोट बनाओगे, योर टास्क इज दिस, ठीक है ना, सारे ए टू जेड फॉर्मूले के। पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री के बना लो, उसके बाद फिर मैं क्वाड्रेटिक के बनवाऊंगा, ठीक है, एंड यू कैन सेंड मी द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि किसके सबसे बेस्ट है, ठीक है, और उसको अपन फॉलो कर लेंगे, एक काम करेंगे ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलो तो होमवर्क क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा, चलो लिखो इसको, प्रूव दैट है, चलो प्रूव दैट साइन ऑफ पाई बाय सेवन प्लस साइन ऑफ टू पाई बाय सेवन प्लस साइन ऑफ थ्री पाई बाय सेवन, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू वन बाय टू कॉट पाई बाय फोर्टीन, ठीक है ना, प्रूफ ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो ये हो गया हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।